हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप योर स्टडी। मैं हूं आपकी प्यारी सुमन मैम और आपके लिए लेकर के आई हूं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स। अगर आपको इसके पहले के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सैम्पल पेपर आंसर्स देखने हैं तो उसके लिए उसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप हिट करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बिना समय गंवाए, बिना वेस्ट किए सिंगल मूवमेंट को। ये जो है हमारा सब्जेक्टिव टाइप है जिसके आंसर आपको आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे और जिसको मैंने स्कूल में एक साल तक पढ़ाया है उसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये है एम हैव टू परफॉर्म हिज बेस्ट इन द नेक्स्ट क्रिकेट मैच सो टू गेट अ चांस टू प्ले फॉर हिज स्कूल एट द नेशनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट। ही हैव बीन एनसीएस वरीड, एनसीएस का मतलब क्या होता है वरीड, बहुत स्ट्रेस है उसको, बहुत एंजाइटी हो गई है। फॉर द अपकमिंग मैच give him any two benefits of stress management which makes it vital for him to perform। यहाँ पे stress management से related क्या किया गया है, question पूछा गया है कि M को एक chance मिला है next cricket match खेलने के लिए national level पे, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है anxious है, worried है, तो आपको ऐसे benefits बताने होंगे stress management के जो जिससे वो अच्छा perform कर सके। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, यहाँ पे टू बेनिफिट पूछा है लेकिन मैं आप लोगों को तीन चार बेनिफिट बता देती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है आपका कि इम्प्रूव्स मूड, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करता है इम्प्रूव करता है आपके मूड को, आपके मेंटल स्टेटस को। और दूसरा है आपका बूस्ट इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, प्रमोट करता है लॉन्गेविटी, कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल इंगेजमेंट फॉर टास्क एंड इनकम्प्लिशमेंट। जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं रहता तब तक आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को क्या करके रखता है, बूस्ट करके रखता है। प्रिवेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बैट से ही किक आउट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इनहेंस्ड गिव एनी टू रीजंस। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं आंसर्स बता देती हूँ, इसके आंसर होंगे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, अगर आपके इसके आंसर चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा प्रिंट आउट के रूप में आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टास्क बार, ब्रीफली एक्सप्लेन, ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है कि टास्क बार किसे कहते हैं। टास्क बार आप सबने पढ़ा होगा कंप्यूटर में कि टास्क बार किसे कहते हैं। टास्क बार क्या है, इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। बॉटम ऑफ द स्क्रीन के नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है, ठीक है ना। टू द लेफ्ट ऑफ द स्टार्ट बटन राइट टू द टास्क बार कंटेन्स डेट एंड टाइम। आपने देखा होगा कि आपके लैपटॉप के लेफ्ट साइड में डेट एंड टाइम दिखाता रहता है, वही क्या होता है टास्क बार है। देर आर आइकन्स ऑफ एक्टिव एप्लीकेशन एंड सम ऑफ द शॉर्टकट ऑन टास्क बार। यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, जैसे सर्च का आइकन बना हुआ होता है, विंडो का आइकन बना हुआ होता है, आप अगर क्रोम खोल रहे हो तो क्रोम का आइकन बना हुआ होता है। तो इस तरीके से आइकन्स बने हुए होते हैं, वही होता है आपका टास्क बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मैंने अपने सैम्पल पेपर में लिख रखा है लेकिन आपको अगर इसका आंसर चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि स्टेट द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टार्टिंग इंडस्ट्रीज इन विच मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्रोडक्शन आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल, दिस बिजनेस सर्व एज अ बैकबोन ऑफ द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। स्टार्टिंग बिजनेस, जब हम लोग अपना बिजनेस क्या करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल पर छोटे तरीके से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। वहीं पे हम अपना जो एंटरप्रेन्योर का स्किल्स है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए एक गुड कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसको बताइए। तो इसमें मैंने अपने सैम्पल पेपर में इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी लिख रखा है, अगर आप उसको परचेज करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ से आपको अच्छे तरीके से उसके कंटेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, कम्युनिकेशन इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ फीलिंग आइडियाज इमोशंस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन
टू और मोर पर्सन हैव टू कम्युनिकेट इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग रिस्पॉन्डिंग ड्राफ्टिंग ईमेल वर्बल इंस्ट्रक्शन डिस्कशन एक्सेट्रा स्पेंड 75-90% ऑफ देयर वर्क टाइम कम्युनिकेटिंग। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेनर वही होता है जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन में लगाए और अपने प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह क्या करे, लॉन्च करे, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड थे। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो आपके सब्जेक्टिव, मतलब आपके PDF में ही इसके आंसर्स दिए हुए हैं। PDF में कहाँ कहाँ पे इसके आंसर्स रहेंगे वो मैं बता दूंगी आपको। व्हाट इज चेक, चेक के लिए आप पॉइंट नंबर 1.2 में चले जाइएगा, वहाँ पर चेक की पूरी डेफिनेशन दी है। अगर आपको याद है तो मैं, नहीं याद है तो मैं बता दे रही हूँ, अगर याद है तो फिर आप इसका आंसर खुद से लिख लीजिएगा, नहीं याद है उसके लिए मैं हूँ ही, टेंशन नहीं लेने का। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, बाकी मैंने जो आपको कॉपी में लिखवाया था बच्चों, मेरे स्कूल के प्यारे बच्चों, उसको भी आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ये एक केस बेस्ड स्टडी टाइप है। मिस्टर एस इज अ फैक्ट्री ओनर एंड ही पेज वेजेस टू हिज वर्कर्स विद इन फर्स्ट टेन डेज ऑफ एवरी मंथ एंड हिमसेल्फ रिसीव पेमेंट ऑफ बिजनेस ओनली आफ्टर द 20th डे ऑफ द एवरी मंथ। Therefore, he is facing difficulty in paying wages. If he opens a new loan account, then which type of loan facility should he got for it? State any one feature of the same as well. आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एक मिस्टर एस जो है एक फैक्ट्री का मालिक है जो अपने वर्कर्स को सैलरी 10 तारीख तक दे देता है, ठीक है ना, लेकिन अपनी सैलरी वो 20 तारीख के बाद ही पाता है, जिससे इसको प्रॉब्लम होती है लोगों को वेजेस, जाहिर सी बात है अगर सैलरी देर से पाएगा तो अपने लोगों को वो सैलरी कैसे दे पाएगा। इसके लिए उसने अपने एक न्यू लोन अकाउंट को ओपन किया, तो आपको बताना है, आपको रेकमेंड करना है कि किस लोन फैसिलिटी के लिए जाए और उसके कोई एक फीचर्स को आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लोन के लिए वो बैंक को कॉन्टैक्ट करेगा वो होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी गिवन अगेंस्ट द कोलैटरल सिक्योरिटी। यहाँ पे जिस लोन के लिए जाएगा वो है कोलैटरल सिक्योरिटी। इंटरेस्ट इज चार्ज ओनली एन यूटिलाइज अमाउंट अ सेपरेट अकाउंट नेम कैश क्रेडिट अकाउंट इज ओपन। यहाँ पे कौन अकाउंट ओपन करेगा, वो कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट में इंटरेस्ट चार्जेस उसको कम लगेंगे और दूसरा उसको क्या देना पड़ेगा, कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, व्हाई इट इज प्रेफर्ड ओवर चेक। डिमांड ड्राफ्ट किसे कहते हैं और इसको क्या किया गया है, क्यों प्रेफर किया गया है चेक के ऊपर, मतलब इसको डिमांड ड्राफ्ट को चेक से बेहतर क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके मेरिट्स बताने पड़ेंगे जो कि आपको पेज नंबर 3.1 में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपको 3.1 के पेज में मिल जाएंगे। क्या होगा इसका आंसर, डिमांड ड्राफ्ट इज अ चेक that contains an order of drawer branch directing same bank branch to pay on demand a sum of money to beneficiary can be crossed as account pay instrument safer than check। ठीक है, और अगर 1 marks का question रहता तो आप सिर्फ define कर देते थोड़ा सा उसको, बस एक point लिख देते, that is more than enough। clear, next question है, why do bank insist on financial collateral why असाइनिंग लॉकर। बैंक क्या करता है फाइनेंशियल कोलेटरल क्यों असाइन करता है जब उसको लॉकर सेफ लॉकर फैसिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे होगा इसका आंसर आपको 3.4 टॉपिक पे मिल जाएगा आपके PDF में, ठीक है ना, 3.4 टॉपिक पे मिलेगा इसको। इसमें लिखा हुआ है बैंक गिव अ लॉकर ओनली टू देयर एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर और टू दोज हु एग्री टू ओपन एन अकाउंट सेविंग और करेंट और मेक अ फिक्स डिपॉजिट विच कैन कवर रेंटल और 3 years एंड चार्जेस फॉर ब्रेकिंग ओपन द लॉकर इन केस ऑफ इवेंचुअली। आप 3.4 टॉपिक पे चले जाइएगा अपने PDF पे, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट है, तो इसके लिए भी आप 4.5 टॉपिक को क्या करेंगे, ओपन कर लेना,
वहां से आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। मनी बैक पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी को लेने से क्या होता है, हर 3 महीने, 3 साल, 4 साल या 5 साल पे आपके जो सम अश्योर्ड है उसके पैसे वापस मिलते रहते हैं। व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस? व्हाट इज़ फायर इंश्योरेंस? बहुत ईजी है। जब इंश्योरेंस हम किसी फायर एक्सीडेंट के लिए लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस। 5.4 टॉपिक पे आपको मिलेगा आपके PDF में, ठीक है ना। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन अग्रीज टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड फॉर फाइनेंशियल लॉस विच इज इंश्योर्ड विच द इंश्योर्ड में सफर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ और डैमेज टू प्रॉपर्टी और गुड्स कॉज्ड बाई फायर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। यही आपके PDF में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आप 5.4 टॉपिक खोलेंगे तो वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जिसको मैंने बहुत बार चैप्टर 1 से पढ़ाया है। ये चैप्टर यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोमिसरी नोट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज। 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा 50 to 80 words में आपको लिखना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपको 50 to 80 words के बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है उसके लिए आप 1.2 टॉपिक पे चले जाइएगा, वहाँ से प्रोमिसरी नोट की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आपको सुनना है तो सुनिए। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और अ बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। इसमें एक वर्ड दिया हुआ रहता है प्रोमिस, तो इसी से हम लोग इसको सेग्रीगेट कर देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में। डिफरेंस में आते हैं कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है। प्रोमिसरी नोट कंटेन्स प्रोमिस और एक बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स ऑर्डर टू पे, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोमिसरी नोट में प्राइमरी लाइबिलिटी टू पे इज ऑफ मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट। प्राइमरी लाइबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या होती है, टू पे इज ऑन द ड्रॉइंग। PN में क्या होता है, प्रोमिसरी नोट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ओनली। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या होता है, डिमांड बी हैज़ टू बी प्रेजेंटेड फॉर, जब हम लोगों को डिमांड किया जाता है पेमेंट के लिए तभी हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सारे दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस और डेफिनेशन दोनों आपको 1.2 टॉपिक पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एम नीड्स अ लोन। देखिए इस आंसर को पढ़िएगा आप लोग। एम नीड्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक बट ही डज नॉट हैव एनी मोर्टगेज टू कीप विद द बैंक एंड नॉट डज ही हैव एनी पर्सन टू गारंटी हिम। विच काइंड ऑफ लोन ही कैन अप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स टू टाइप ऑफ डिटेल। एम को बैंक से क्या करना है, लोन लेना है, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके पास कोई पर्सन भी नहीं है जो उसकी गारंटी ले सके कि भाई गारंटी लोग देते हैं ना, वो गारंटी भी देने के लिए कोई नहीं है। तो आप रिकमेंड करिए कि कौन सा लोन के लिए हो जाएगा। एक्सप्लेन इट्स टू टाइप, तो किस लोन के लिए चाहेगा जहाँ पे मोर्टगेज मतलब सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। अरे आपने सही गैस किया, उसका आंसर होगा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के आपको यहाँ पे 2 types दे देने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं बताइए, एक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन, ये दोनों आपके अनसिक्योर्ड लोन के टाइप। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। यश ओपेंड अ न्यू अकाउंट विद SBI एंड ऑल्सो गॉट द फॉर्म फिल्ड फॉर गेटिंग हिज इंटरेस्ट फैसिलिटी अटैच। यहाँ पे आपको क्या लिख करना है, यश ने क्या किया है यश ने क्या किया है, एक अकाउंट ओपन करना चाहा SBI के साथ में, लेकिन उसको इंटरनेट फैसिलिटी करना है। तो यस को हेल्प करना है कि जितने भी रिस्क है इंटरनेट फैसिलिटी से रिलेटेड उसको बताने के लिए। इसका आंसर आप आपके टॉपिक 3.3 के PDF में पा जाएंगे, PDF के 3.3 टॉपिक में पा जाएंगे, जिसमें आपको रिस्क ऑफ इंटरनेट बैंकिंग के बारे में लिखना, जैसे फिशिंग, फार्मिंग, स्पूफिंग, क्रॉस साइट, ट्रोजन हॉर्सेस, ये सारी चीज़ें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, फेक ईमेल पपोशिंग टू द सेंड फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, अपने OTP को शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट आना, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। उसी को यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है, एटलीस्ट 4 to 5 points आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। व्हाइल अपडेटिंग द पासबुक ऑफ मिस्टर ए द बैंक ऑफिसर पॉइंटेड दैट ही हैड अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी लाइंग इन हिज बैंक।
मिस्टर ए जब अपना पासबुक अपडेट कर रहे थे तो उनको पता चला कि उनके अकाउंट में क्या है, बहुत सारे पैसे हैं। He advised that as the bank is paying a low rate of interest on saving account, not providing any other benefit. बैंक में सिर्फ उसको कम इंटरेस्ट मिल रहा था तो उसने इन्वेस्ट सोचा कि इसको लाइफ इंश्योरेंस में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। In contest to give him, Case explained to Mr. A the various advantages of life insurance policy. यहाँ पे advantages of life insurance policy लिखना है, मतलब risk cover, tax benefit, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको 4.3 टॉपिक पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। Explain various types of marine insurance. आपको पता ही है कि marine insurance किसे कहते हैं। Marine insurance वो insurance होता है जो हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए लेते हैं, अपने शिप को बचाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने के लिए। आपको पता ही है, मैंने बताया था, बेसिकली 4 types ऑफ मरीन इंश्योरेंस होते हैं। सबसे पहले होता है हल इंश्योरेंस, दूसरा होता है कार्गो इंश्योरेंस, तीसरा होता है फ्रेथ इंश्योरेंस और चौथा होता है लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस आप जनरल इंश्योरेंस के मरीन इंश्योरेंस टॉपिक पर चले जाइएगा, आपसे वहाँ पे इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया भी है, इसके ऊपर वीडियो भी मैंने बनाया है मरीन इंश्योरेंस का। अगर नहीं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे वीडियो की अपडेट पाने के लिए, ठीक है ना। तो आपको अगर PDF में जानना है कि कौन से पेज नंबर है टॉपिक में है, तो दैट इज़ अ 5.5 टॉपिक ऑफ द PDF गिवन बाय CBSE। बेसिकली इन्हीं चारों के बारे में बात की गई है, जहाँ पे आप लोग डिटेल में 5.5 टॉपिक पे इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप मैं ये जानती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और कारगर साबित होगा। ये सारे CBSE के लेटेस्ट सैम्पल पेपर से अपलोडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ आऊँगी। और बच्चों, जिस जिस यूनिट से आपको प्रॉब्लम है उस यूनिट के क्वेश्चंस आप मेरे कमेंट सेक्शन पर दे सकते हैं। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे सब्सक्राइबर को 1000 तक पहुंचा दीजिएगा। देन आई विल टेक अ लाइव क्लास इन द इवनिंग ऑफ 15th ऑफ फेब्रुअरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।